प्रणाम, हाय, खुशामद्दी। मैं तो अंदर आप सबके भी। जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू सत्या भाई रवि चैनल। मैं आपका दोस्त सत्या। आज हम रिव्यू करने वाले हैं, इस पिक्चर का नाम है मेड इन चाइना। जी हाँ दोस्तों, ये पिक्चर का नाम मेड इन चाइना है और इस पिक्चर में हमारे हीरो के रोल कर रहे हैं राजकुमार राव और हीरोइन के रोल कर रही है मौनी रॉय और बाकी सपोर्टिंग एक्टर्स है जैसे परेश रावल और भूमि ईरानी और गज्जर राव और सुमित व्यास। जी हाँ दोस्तों, इस पिक्चर में हमारे राजकुमार राव हीरो के रोल करते हैं। जैसे वो एक बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, वो हर तरह की बिजनेस कोशिश करके देखते हैं, हर तरह के बिजनेस करते हैं पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, इसलिए आखिरी में वो एक बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, कुछ अलग खोज करते हैं, उसे रखे वो काफी बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, बड़े फेमस होना चाहते हैं और काफी बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। तो एक खोज करते, एक सूप जो एक बूस्ट है एनर्जी जो आदमियों के लिए मर्दों के लिए होता है, वैसे वो खोज करते हैं और काफी अच्छा वाकई काफी इंटरेस्टिंग रहता है और उसे ले जाते हैं बेचने के लिए और उनके भाई जो है सुमित व्यास जो उनके भाई के रोल करते हैं उन्हें चाइना बेचते हैं कि चाइना में जाके बेचें और एक बड़ा एंटरप्रेन्योर बने। एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में वो काफी बड़ा फर्क होता है ऐसे समझते हैं, जैसे कि एंटरप्रेन्योर जो है बनाता है और बिजनेसमैन जो है बेचता है। सो एक बड़े एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और परेश रावल जी से मिलते हैं, जो परेश रावल जी काफी अच्छा उनका एक एडवाइस देते हैं और उसी एडवाइस पे चलते हैं और काफी अच्छी तरक्की करना चाहते हैं और चाइना जाते हैं। चाइना में जाके तो उनके थोड़ा प्रॉब्लम्स होता है और उसके बाद जाके मिलते हैं हमारे भूमि ईरानी से जो एक डॉक्टर है, सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर है, उनसे मिलते हैं और फिर अपने सूप के बारे में बताते हैं और काफी अच्छा उनके साथ डीलिंग करते हैं कि पेशेंट आपके और दवाई मेरा और जो भी मुनाफा होगा 50-50 कर लेंगे, इस तरह चलता है। बाकी पिक्चर अच्छा कॉमेडी है, काफी अच्छा प्रेजेंटेशन है और उनकी जो वाइफ के रोल की जो हीरोइन जो है मौनी रॉय वो भी काफी अच्छा एक्टिंग की है, काफी अच्छा गाने, काफी अच्छे डांस भी कर लेते हैं। बाकी पिक्चर तो अच्छा है पर परिवार के साथ देखने लायक नहीं है, आप अपने दोस्तों के साथ जाके देख सकते हैं या तो अपनी गर्लफ्रेंड या तो फिर सिर्फ अपने वाइफ के साथ ऐसे देख सकते हैं, पर आप पूरे परिवार के साथ जाके देखना चाहते हैं तो ये आप देख नहीं सकते। बस एक थोड़ा सेक्सी कॉमेडी कह सकते हैं, सीधी रीते ओपन भाषा में कहना है तो आप बस एक नॉलेज समझ के इसे देखिएगा कि मुझे कुछ नॉलेज सीखने को मिलता है, क्योंकि आजकल जो है जमाना बदल गया है तो हमें भी उसके हिसाब से चलना चाहिए। तो जैसे आपने इसके पहले भी एक ऐसा एक पिक्चर निकला था शफक खाना नहीं शफा खाना, वो भी ऐसा ही है, जैसा ऐसा पिक्चर ही है, तो उसी तरह ये एक पिक्चर ही ऐसे देख के वैसे ही समझ के हमें इस पिक्चर को देखना है। बाकी पिक्चर काफी अच्छा है और हीरो की एक्टिंग भी काफी अच्छा, सपोर्टिंग एक्ट्रेस जो है वो भी काफी अच्छी एक्टिंग की है और गजराज राव जो इसमें विलन के रोल किए हैं। बाकी पिक्चर काफी अच्छा है और इसमें जो विलेन के रोल गजराज राव उन्होंने काफी अच्छा एक्टिंग किया और हीरो को थोड़ा बहकाते हैं ताकि हम पूरी दुनिया में बेचेंगे, इस तरह चलता है पिक्चर। बाकी पिक्चर का एंडिंग भी काफी अच्छा है और अच्छा पिक्चर है, देखने लायक है और जरूर देखिएगा। थोड़ी कुछ नॉलेज और थोड़ी कुछ कॉमेडी और कुछ काफी अच्छा एंटरटेनमेंट है, काफी अच्छा गाना है। दिवाली के लिए नया पिक्चर अच्छा रिलीज हुआ है, देखिएगा जरूर, पिक्चर काफी अच्छा है और थिएटर में जाके देखिएगा। और इस वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए मेरे चैनल को ताकि मुझे पता चले और मैं जरूर कमेंट करूंगा और मैं जरूर आपके कमेंट्स का जरूर मैं जवाब दूंगा। तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा, बड़े बुजुर्ग का सम्मान कीजिए, घर में बड़े बुजुर्ग का सम्मान कीजिए, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर ऑफ फैमिली मेंबर्स, टेक केयर ऑफ एल्डर्स। जय हिंद, वंदे मातरम।